Now, children, let's move on to the next chapter, which is chapter number 42, and the name is Threats to Environment. Means हमारा जो environment है उसे बहुत सारी threats है, means बहुत सारी चीजों से उसे नुकसान होता है. So क्या क्या चीजें हैं, let's see. To save the environment, we need to be aware and more concerned. Environment को save करने के लिए हमें क्या होना होता है, और ज्यादा aware होना होता है और concerned होना होता है. Are you ready to join the drive? क्या आप इस चीज़ में ready हैं, इस चीज़ को करने के लिए, environment को बचाने के लिए? Answer these questions to find out. इन questions को आपको answer करना है. Take help from the need help box given below. So need help box दी गई है, आपको उसमें से answers ढूंढने हैं और लिखने हैं. First one is name the chemicals released by many deodorants that are harmful to ozone layer और अर्थ एटमॉस्फेयर. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो डिओड्रेंट से निकलते हैं. आप जो स्प्रे वगैरह कर लगाते हैं ना, जो आप परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट्स, उसमें से बहुत सारे केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं. क्या नाम है उस केमिकल का? उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. नेक्स्ट, ओवर विच कॉन्टिनेंट वॉज अ मैसिव होल इन द ओजोन लेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 में पहली बार ओजोन लेयर डिप्लीशन जो था वो कौन से कॉन्टिनेंट में दिखाई दिया? सो वो था अंटार्कटिका. थर्ड वन, विच केमिकल लेड टू द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें कौन सा केमिकल था? उसमें था मिथाइल आइसोसाइनेट. Next, name the Japanese city where the most significant environmental treaty was signed by 150 nations. तो आपको बताना है ऐसी जापानी सिटी के बारे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीटीज़ को साइन किया जाता है 150 से ज़्यादा नेशंस में, to reduce the emission of gases that continue the global warming. जो एमिशन को रिड्यूस करते हैं, गैसेज जो निकलती हैं उसे रिड्यूस करते हैं, तो कौन सी ऐसी सिटी है उसके बारे में आपको बताना है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अलर्ट है, उसका नाम है क्योटो. नेक्स्ट इज SPM कॉम्प्राइजिंग स्मोक डस्ट एंड वेपर इन द एयर कॉजेज हेज एंड लीड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. SPM क्या करता है? इसमें स्मोक होता है, डस्ट होता है, वाटर वेपर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिससे हेजी आपको दिखाई देगा, मीन्स जो है धुंधला धुंधला दिखाई देगा मौसम, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स सांस की प्रॉब्लम हो जाती है. व्हाट डज द एब्रिविएशन SPM स्टैंड्स फॉर? SPM का क्या फुल फॉर्म है? तो SPM का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज विच कंट्री वॉज हिट बाई एन अर्थक्वेक इन 2011 में कौन सी कंट्री थी जिसमें अर्थक्वेक आया था? That initiated a series of tsunami waves and instigate a major nuclear accident. और जिसके बाद एक major nuclear accident हुआ था, तो आपको उस country का नाम बताना है. Next, seventh one, which gas traps the heat of the sunlight? कौन सा ऐसा गैस है जो sunlight के heat को trap करता है? And does it allow it to escape the earth atmosphere? और earth के atmosphere से जाने में उसे रोक देता है. So you have to write down the name of the gas. Next, in which city was the 2015 United Nations Climate Change Conference? तो कौन सी सिटी में ये कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसको COP 21 कहा जाता है? Where a global agreement on reduction of climate change was negotiated. जहाँ पे ये जो ग्लोबल एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज का उसे नेगोशिएट किया गया था. Next, ninth one, what causes the wearing down of topsoil by forces of nature like wind and water? किसकी वजह से, किस चीज़ की वजह से जो टॉप सॉइल है वो ख़त्म हो जाता है, या what causes wearing down of topsoil? Topsoil गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कौन से ऐसे forces हैं जैसे wind और water? तो कौन से ऐसे forces हैं आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट, टेंथ वन इज व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर? कौन सा फिनोमिना है टेम्परेचर इंक्रीज करने का नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस के पास?
ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस के इकट्ठा होने की वजह से कौन सा फिनोमिना यहाँ पे है जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर को इन द एटमॉस्फेयर, इसको क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स. सो चिल्ड्रेन, डू इट योरसेल्फ.